कहते हैं जी मोदी सरकार ये तानाशाह सरकार है, ये बंद करो और ये केस वापिस लो और तीनों कानून रद्द करो। अगर ये नहीं करेगा तो आम जनता पूरा हम इसके साथ संघर्ष करेंगे और कभी हम घबराएंगे नहीं। तो आज अपना मतलब मोदी सरकार अपना घमंड काट दो, अगर ये तो जनता को मरवाता है और हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, लेकिन भाईचारा तोड़ता है और इनके पास जवान मराए और मारे को वहाँ जाकर लाठी चार्ज करवाया और जो गई वो दीपू सिंधु है वहाँ उसको बुला गए बीजेपी वाले ने एक सलाह करके अंदर पाड़े और झंडा चटवाया और उसको वो बाहर भाजने दिया, वहाँ पुलिस पकड़ भी सका थी गिरफ्तार कर सका थी, वहाँ ऊपर चढ़िया वहाँ नीचे आया तो गोली मार सका थी, लेकिन पब्लिक ने वो जान दिया तो ये बीजेपी की साजिश थी। अरे किसानों के ऊपर हमारे जो बुजुर्ग आदमी 2 महीने से वहाँ बैठे हुए रात को उनको लाठियों से पीटा, बीजेपी ने अपने बीजेपी के गुंडे बुलाए, हमें ये तानाशाह सरकार ये नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे। जय जवान जय किसान। क्या क्या नाम है? पिछले 20-25 साल से हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, हर साल हजारों हजार किसान मौत की गाल में चले जाते हैं, मरते मरते त्राही करते करते किसानों ने और खेत मजदूरों ने सरकार को अपनी आवाज़ सुनाने का फैसला किया और सरकार ने उनकी एक ना सुनी बल्कि किसानों के खिलाफ, खेत मजदूरों के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ 3 काले अध्यादेश जारी कर दिए 5 जून को। तब से लेकर देश भर में किसान इसका विरोध करने लगे, सरकार के कान पर जू नारेंगी। इस दौरान हमारे किसान मरते भी रहे, आखिरकार जब सरकार ने ये काले कानून पास कर दिए तब किसानों ने सोचा कि हम दिल्ली जा कर के सरकार को अपना दुखड़ा सुना दें। सरकार किसान लाखों की तादाद में, जिसमें हमारी लाखों माताएं बहनें भी थी, वो दिल्ली के बॉर्डर पर आए, सरकार ने उनको दिल्ली में जाने से मना कर दिया, वो शांतिपूर्ण तरीके से वहीं बैठ गए और तब से शुरू करके सरकार ने जो जिन्होंने हथकंडे जो बदनामी हमारे किसानों के करी, कभी इनको आतंकवादी, कभी उग्रवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तान के एजेंट और नादाने ऐसी क्या क्या बातें कही, अपमान के घूंट पी करके, बेइज्जती के घूंट पी करके बड़े सब्र से हमारे किसान बैठे रहे, लेकिन सरकार ने गणतंत्र दिवस पर एक भयंकर साजिश रची कि हम जानबूझ करके लाल किले के अंदर चंद शरारती तत्वों को प्रवेश करवाएंगे और सारे मीडिया के द्वारा देश में एक कोहराम मचा देंगे कि किसान लाल किले पर आ गए और इन्होंने राष्ट्रध्वज का अपमान कर दिया। ना सिर्फ इस प्रकार का प्रचार किया बल्कि किसानों को जो रास्ता दिया गया था उस रास्ते से भटका करके शहर के अंदर प्रवेश कराया गया, उन पर अश्रु गैस के गोले दागे गए, उन पर गोलियां भी चलाई गई, उन पर भयंकर लाठी चार्ज किया गया, लेकिन हमारा किसान शांत रहा, सारे दुख दर्द को पी करके वो पुणे बॉर्डरों पर आकर के बैठ गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जालिम सरकार, योगी की सरकार, उसने हमारे नेता, किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर पर जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा था उसको उखाड़ने का मन बना लिया, उनका बिजली बंद कर दी, उनका पानी बंद कर दिया गया। आप याद रखें, जो किसान हमें अन्न खिलाता है, हमें जिंदा रखता है, उनको पानी से भी इन धूर्तों ने, इन जालिमों ने, इन अत्याचारियों ने, इन आतताइयों ने, इन हिंदू महासभा के मंसज भाजपा वालों ने उनको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया। कितने जुल्म की बात है। और तब से लेकर जन संघर्ष मंच, समता मूलक महिला संगठन, मेहनत कश किसान मजदूर संगठन, ये सारे हमारी केंद्र सरकार के इन काले कारनामों का दिन प्रतिदिन गोहाना सरकार शहर में विरोध करते रहे हैं, बॉर्डरों पर जाकर किसानों की मदद करते रहे हैं। कल रात को इन जालिम सरकारों के पुतले का भी हमारे मंच ने शहर के शहीद चौक पर दहन किया,
और उसके बाद इस क्षेत्र में अनेकों जगह है, छतेरा गांव में, रामकली में, अनेकों गांव में इन मैं कहता हूं जालिमों के पुतलों को जलाया गया। और आज इस दुख को झेलते हुए सरकार के प्रतिकार में ना सिर्फ ये मंच बल्कि गोहाना क्षेत्र के गांवों से सैकड़ों हजारों की तादाद में ग्रामीण अपने ट्रैक्टरों पर, साइकिलों पर, बाईसाइकिलों पर सवार होकर के इन्होंने गोहाना शहर में प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि हमारे किसान नेताओं के ऊपर जो झूठे मुकदमे बनाए गए हैं उनको वापिस लिया जाए। और इसके अलावा जो कृषि के ये तीन काले कानून हैं, इन काले कानूनों को तुरंत रद्द किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन अब देश के कोने कोने में फैलने लगा है। जालिमों के दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, जालिम सरकारों के दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। ये भारत का मजदूर किसान, ये गरीब तबका तो इस देश की 90-95% आबादी है, वो आपको ठोकर की नोक पर रख कर के फेंक देगा।